धन्यवाद। पानी पीने गए थे क्या है सभापति जी? आज आपने मुझे जो दलितों पे अत्याचार और अनाचार की घटनाओं पे चर्चा हो रही है रूल 193 के तहत, उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव का माहौल आता है तब तब कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे लगता है कि जो एक असाधारण व्यक्ति इस राजनीतिक व्यवस्था में उभर करके हमारे सामने आया वो मुझे लगता पच नहीं पा रहा, इसलिए ऐसी घटनाओं के बारे में ज्यादा जिक्र होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बिहार का चुनाव था तो अहिसूचना नॉन टॉलरेंस का मुद्दा पूरे देश में छा गया और लोगों ने वार्ड वापसी की बात भी करी। आरक्षण का मुद्दा छा गया और यहां भी चर्चा करी और जैसे ही अवार्ड वापसी का मुद्दा बिहार का चुनाव खत्म होता है और समाप्त हो जाता है, खत्म हो गया। अब इनको कभी गुजरात का चुनाव दिखता है और कभी यूपी का चुनाव दिखता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इट्स ए वेरी सेंसिटिव इशू, सब दलित इशू इज वेरी सेंसिटिव इशू। चर्चा में अगर गंभीरता रहेगी तो हम ये जान पाएंगे कि गलती कहां हो रही है हमसे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था में मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर कि भारत में कई बुराइयां रही होगी, धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ी बुराई है वो जाति व्यवस्था है और जाति आधारित छुआछूत की बुराई दक्षिणी एशिया के देशों में ज्यादा, जिसमें भारत भोग रहा है। अन्य विकसित देशों में धर्म भाषा रंग भेद के आधार पर लड़ाई देखी गई, अमीर गरीब की लड़ाई भी देखी गई, लेकिन जाति की लड़ाई अन्य देशों में नहीं होकर केवल भारत के सामाजिक बुराई से लंबे समय से जूझ रहा है भारत। इससे इस सामाजिक बुराई ने कब विषमता का रूप लिया, सभापति महोदय ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस सामाजिक बुराई ने कब विषमता का रूप लिया इस पर इतिहासकारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन यह तय है कि मध्यकालीन युग में जाति आधारित छुआछूत अपनी जड़ें जमा चुका था। भारत के धार्मिक संतों ने इस बुराई को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए, जिसमें कबीर नानक रैदास आदि प्रमुख हो सकते हैं। आधुनिक भारत में जिन्होंने जातिवाद पर सबसे ज्यादा चोट की उसमें दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रमुख हैं। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले संतों की भारत में कमी नहीं रही। राजनीति में भी अनेक गणमान्य पुरुषों का जिक्र अभी भी चर्चा में आया, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल जी ने जिस विचारधारा को प्रतिपादित किया उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय समाज में जो दलित समाज है यह आजादी से पहले किस संतों के नजदीक रहा, इसमें मैंने कई जिक्र किया, कबीर है, रैदास है, कई ऐसे महापुरुषों के भी नजदीक रहा, लेकिन आजादी की लड़ाई के आसपास और आजादी के बाद अगर दलित समाज सबसे ज्यादा नजदीक रहा है तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नजदीक रहा, बाबा साहब अम्बेडकर के नजदीक रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस की लड़ाई इतिहास के पन्नों में देखी जा सकती है। आपको याद होगा कि बाबा साहब इस संसद में आना चाहते थे, लोकसभा में, वो राज्यसभा में पहुंचे, लेकिन बाबा साहब को इस लोकसभा में आने के लिए किसने रोका, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कांग्रेस ने, आप महाराष्ट्र से आते हैं आपको पता है कि उन्होंने सारे रास्ते बंद किए बाबा साहब के, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहली जो नेशनल गवर्नमेंट बनी पंडित नेहरू की नेतृत्व में उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, ये दो ऐसे नॉन कांग्रेसी लीडर थे जो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कभी लोग पूछते हैं कि आप बाबा साहब के कब करीब थे, भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आजादी के आसपास से ही, और जब देश आजाद हुआ राष्ट्रीय गवर्नमेंट बनी उस समय से ही बाबा साहब के नजदीक हम पहुंच गए थे। और आज की परिस्थितियों में जो एक डायग्नोसिस किया है
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि दलित समाज का मूल समस्या क्या है, तो सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कांग्रेस ने भी प्रयास किए होंगे, महात्मा गांधी से लेकर के आज जिक्र आया, बहुतों ने प्रयास किए होंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि सामाजिक बुराई के साथ साथ SC ST एट्रोसिटी एक्ट था, ये 89 में भी अमेंड हुआ, अब इस बार फिर अमेंड हुआ मोदी जी के शासन में। लेकिन मोदी जी ने यह विशेष रूप से कहा कि जब तक दलितों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक ये जो विषमता है वो दूर नहीं होगी। ऐसा चिंतन करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री है, मैं सभापति जी कहना चाहता हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ऐसा चिंतन करने वाले। ये चिंतन मनन मंथन करते करते उन्होंने सोचा कि सामाजिक बुराई लड़ने के लिए हमारे पास हथियार है। क्या क्या हथियार है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, लेकिन आर्थिक आधार पर हम समानता कैसे लाएं उसको दूर करने के लिए हमारे पास हथियार कम थे। इसीलिए जो एक रिपोर्ट मैं डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का करना चाहता हूं, ये बुराई कहां है, क्यों है, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका चिंतन करके, और मैं कुछ योजनाओं का जिक्र करूंगा जो मैं बताऊंगा। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते समय, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते समय 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, आई कोट, ऑन द 26th January 1950 वी आर गोइंग टू इंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस इन पॉलिटिक्स, वी विल हैव ए इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट एंड वन वैल्यू, इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल, वी मस्ट रिमूव दिस कंट्राडिक्शन एट द अर्लिएस्ट पॉसिबल मोमेंट, अनकोट। ये बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट करने की बहस थी उसका लास्ट भाषण बाबा साहब का ही कहा। क्यों नहीं सोचा बाद में जो सरकार आई जिन्होंने कि आर्थिक समानता लाने के लिए क्या करना चाहिए और सामाजिक समानता लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। आर्थिक समानता लाने के लिए जो वर्तमान सरकार ने प्रयास किए हैं उनका एक दो मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के साथी कह सकते हैं ये राजनीति है, लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे पे गंभीर भाषण देने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। देखिए देखिए, SC ST एट्रोसिटीज अमेंडमेंट बिल कितना मजबूत बना है, ये मोदी जी के अभी पीरियड में बना है, तो भावना तो साफ झलकती है कि दलितों पे अत्याचार होंगे तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, मोदी जी का मत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, मुद्रा लोन आर्थिक रूप से दलित समाज के लोग सक्षम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दलित भाइयों से अपील की कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। डिप्टी स्पीकर साहब, ये इतना बड़ा कोट है प्रधानमंत्री जी का कि आप जॉब सीकर क्यों बनते हो, जॉब गिवर बनो, आप नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। इसी के चलते वर्तमान सरकार ने मुद्रा योजना चलाई जिसके तहत लाभ जो हुआ वो आप देखेंगे कि जो टारगेट था वो हमने पूरा किया। 1,25,000 का जो हमारा टारगेट बैंक का था वो 1,25,000 बैंक अकाउंट्स बैंक ब्रांचेज है वो स्टैंड अप में है। जो मुद्रा में हमने जो अब तक पूरा किया वो मैं बताना चाहता हूँ सभापति जी कि हमने टारगेट को पूरा किया, 1,22,000 के 1,36,000 लोगों को लोन दे दिया। मैं एक दूसरी योजना तो बताना चाहता हूं, वो है वेंचर कैपिटल फंड स्कीम। डिप्टी स्पीकर साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखिए, पहली बार 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई। मोदी जी ने सोचा कि यह आर्थिक विषमता कैसे दूर हो। डिक्की नाम की एक संस्था है उपाध्यक्ष जी, डिक्की नाम की एक संस्था जो दलित समाज के एंटरप्रेन्योर है उनके द्वारा बनाई गई थी, 2005 में बनी डिक्की। डिक्की के
लोगों से, 2005 में यूपीए का शासन था, डिक्की के लोगों से कभी यूपीए के प्रधानमंत्री जी नहीं मिले। ये हमारे प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, जिन्होंने डिक्की के लोगों को बुलाया ही नहीं, डिक्की के लोग फंक्शन में भी गए और उनको कहा कि आप क्या चाहते हो मुझे बताओ। तो ये डिक्की का सुझाव था क्या कि आप क्रेडिट को इनहेंस करो। अभी तक दलित समाज के लोगों को 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया जाता है, तो बोला आप क्या चाहते हो, हम चाहते हैं मिनिमम 50 लाख और मैक्सिमम 15 करोड़। मैं आपको चैलेंज करता हूं सब, चाहे मायावती, मैं आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर साहब चैलेंज करता हूं, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अभी तक जो लोन मंजूर हुए 46 अकाउंट में, ये वेंचर कैपिटल फंड स्कीम का मैं कह रहा हूं, 46 अकाउंट में 168 करोड़ का एससी के एंटरप्रेन्योर को लोन मंजूर हुआ है। उसमें 3 लोन तो ऐसे हैं जिनमें 15 करोड़ के आसपास लोन है एक कंपनी को। तो ये जो मोदी जी का मत है कि आप जॉब सीकर नहीं बनो, जॉब गिवर बनो, इसकी ओर सरकार बढ़ रही है। मैं एक ये भी बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप योजना, जिसका जिक्र औरों ने भी किया, मैं भी करना चाह रहा हूं कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, ये जो ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण दलित समाज के लोगों को जो लाभ होने वाला है, उसे आर्थिक क्षमता उनकी बढ़ेगी, और आर्थिक क्षमता जब बढ़ेगी तो सामाजिक विषमता भी कम होगी। मैं सभापति जी आपके माध्यम से 2-3 बातें और कहकर के मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अभी 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 बोल रहे हैं साहब, क्या कह रहे हैं आप, क्या दीपेंद्र जी कह रहे हैं क्या? देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त सामाजिक चीजों का अध्ययन करते रहते थे, और उन्होंने भी एक बात कही कि जगती वणित वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती, कि ये जगत जो है उसमें अर्थ का महत्व है। किस राज्य में कितनी घटनाएं घटी ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं ये विषय महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हो गुजरात में घटी, आप कह सकते हो कि राजस्थान में घटी, दीपेंद्र जी बैठे हैं, हरियाणा का अमृतसर कांड भी है, किसको दोष दें, झरझर कांड भी है, किसको दोष दें, बिहार का नरसंहार है, किसको दोष दें, यूपी का अभी घटना घटी, किसको दोष दें, ये क्यों घटती है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि इनको आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाओ, और सोच वो कई ज्योतिबा फूले से, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों से लिया है। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि शेक्सपियर ने भी कई जगह कोट किया कि गॉड इज माइटी बट मनी इज ऑल माइटी। ये जो अर्थतंत्र है इसमें हमने ये मुद्रा, स्टैंड अप, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप, ऐसी बहुत सी योजनाएं लाए हैं जिसे दलित समाज के लोगों को जो लाभ होने वाला है, और उसका लाभ हमने प्रत्यक्ष देखा है। माननीय रामलाल जी पासवान बैठे हैं, अभी डिक्की ने मार्च में एक मुंबई में फेर लगाया। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग एंटरप्रेन्योरशिप में कम विश्वास रखते हैं, मार्च के मेले में 250 एंटरप्रेन्योर आए दलित समाज के, रामलाल जी पासवान ने उद्घाटन किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जनरेट हुआ रेवेन्यू दलित एंटरप्रेन्योर के लिए। ये जो सोच वाला काम है जिसमें आर्थिक विषमता दूर करने का काम है, ये माननीय मोदी जी कर रहे हैं। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी जो आर्थिक विषमता कम करके, जो बाबा साहब ने कहा था 49 में कि सामाजिक विषमता भी कम करनी है, आर्थिक विषमता कम करनी है, हमें राजनीतिक समानता तो मिल जाएगी देश की आजादी के बाद, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता कैसे मिल जाएगी, उसके लिए जो काम करना था सरकारों को नहीं कर पाई सरकार। इसलिए मैं आप इस सदन से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो मुद्रा योजना लाए हैं, जो स्टैंडअप योजना लाए हैं, जो स्टार्टअप इंडिया योजना लाए हैं, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम लाए हैं, आप वेंचर कैपिटल स्कीम फंड स्कीम आप देखेंगे, 50 लाख मिनिमम लोन, 15 करोड़ मैक्सिमम लोन। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि ना कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो,
और चाहे मायावती की गवर्नमेंट रही, कोई ऐसी योजना नहीं लाया दलितों के लिए। ये माननीय मोदी जी हैं जो ऐसी योजना लेके आए। मैं आपको बताऊं बाद में आपको, प्रेमचंद्र जी मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा। देखिए विषय इसलिए गड़बड़ हो रहा है कि दलित समाज कभी कांग्रेस के साथ था। आप क्यों नहीं साथ रख पाए, आप क्यों नहीं चौधरी साहब साथ रख पाए? उसका कारण एक ही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को हम 49 से ही बराबर अपनाते आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी ये कहते हैं, अभी जैसे गांधी जी का नाम आया, अंतिम वक्ति जिसकी आंखों में आंसू है पूछो, गांधी जी ने कहा। पंडित दीनदयाल जी ने भी ये कहा कि समाज में तो अंतिम वक्ति है, खड़ा है अंतिम वक्ति, उसकी सेवा पहले करो। ये पंडित दीनदयाल जी ने कहा, यही डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा। अंत्योदय योजना लेके आए दीनदयाल जी, तो अंत्योदय ये कंसेप्ट भी बाबा साहब के नजदीक है। बाबा साहब विचारों के नजदीक होने के कारण इनके अड़चन क्या हुई कि दलित समाज कांग्रेस के साथ था, धीरे धीरे उनसे कटता गया दलित समाज। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ग्राउंड रियलिटी के साथ कहता हूं, बाबा साहब भगवान, बाबा साहब को दलित समाज भगवान को देखा कि भगवान कहां है। कुछ लोग आध्यात्मिक देख भी रहे होंगे, लेकिन अगर दलित समाज किसी को मानता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय जनता पार्टी के विचारों के नजदीक खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। चाहे 370 का मामला हो, चाहे पाकिस्तान की पार्टीशन का मामला हो, बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के नजदीक खड़े हैं। और बाबा साहब को अगर इस लोकसभा में नहीं आने दिया तो इस कांग्रेस ने नहीं आने दिया, बिल्कुल। और बाबा साहब के आदर्शों से जब आगे बढ़ रहे हैं तो दलित समाज हमसे जुड़ रहा है। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम इनको यही है कि दलित समाज जब बाबा साहब के को देखता है, मैं ये देखना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी सांसद मेरे, ये जन्मभूमि, ये बाबा साहब की जन्मभूमि, परिनिर्वाण भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, शिक्षा भूमि, ये बाबा साहब के ये पंच तीर्थ हैं जिससे ये जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका भी शासन रहा, इन्होंने इन स्थानों का विकास क्यों नहीं किया? आज दलित समाज का बहुत बड़े लिखे लोग हैं, वो बाबा साहब को, जैसे मैंने कहा, तो इंग्लैंड जाके वो बाबा साहब को इतना बड़ा, वो कहता है मानवता का कल्याण करने वाले बाबा साहब थे, तो बाबा साहब के कारण दलित समाज हमसे जुड़ रहा है। और यही इनकी पीड़ा, बहुत पीड़ा है, यही इनकी पीड़ा और कोई पीड़ा नहीं है। और मैं कह रहा हूं दलित समाज बाबा साहब के विचारधारा को तो मोदी जी अपना रहे, आर्थिक तंत्र को डिक्की के माध्यम से, औरों के माध्यम से, स्टैंड अप मुद्रा इनके माध्यम से ठीक करने का, जैसे जो आर्थिक सक्षमता आएगी उससे दलित समाज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। और क्या गुजरात में, गुजरात में दलित समाज आपके साथ नहीं है, और नहीं है उसका कारण है, बताऊं आपको, नहीं है उसका कारण है। मैंने डायग्नोसिस किया गुजरात में दलित समाज आपके साथ क्यों नहीं है। जब गोधरा कांड हुआ और उसमें जो आदमी मरे वो सारे के सारे दलित थे, आपने कभी उनकी बात नहीं करी, और जो बाकी जो दंगों में मारे गए तो उनकी बात करी, इसलिए दलित समाज आपके साथ नहीं है गुजरात में, और रहेगा भी नहीं। दलित समाज जानता है कि हमारी बात करने वाला कौन है, हमें आगे उठाने वाला कौन है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, महू जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, कोई प्रधानमंत्री गया साहब महू में आज तक? ये नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 14 अप्रैल 2016 को महू में जाकर के 14 अप्रैल मनाते हैं। ये दो पीड़ा है। ये थावरचंद जी के लोग बैठे हैं, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास कर रहे थे माननीय मोदी जी, उन्होंने विशेष रूप से कहा अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होता। ये बात कहने वाला कोई है तो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। मैं और ये स्मारक भी थावरचंद जी गहलोत हमारी सरकार ने बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चिंतन करने की जरूरत है कि दलित समाज के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। सामाजिक विषमता दूर करने के अपने पास साधन है जैसे मैंने कहा, लेकिन उसको भी हमने कठोर किया। नरेंद्र भाई मोदी की सोच है कि एट्रोसिटी एक्ट कठोर करिए, करा हमने। सामाजिक विषमता दूर करने का काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम आर्थिक विषमता को दूर करने का कर रहे हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार चल रही है वो कर रही है। वही इनको पीड़ा है कि दलित समाज के नजदीक भारतीय जनता पार्टी क्यों पहुंच गई, और कोई पीड़ा नहीं है। यही पीड़ा है, यही पीड़ा। मैं फील्ड से आता हूं, फील्ड में घूमता हूं, फील्ड में देखता हूं, और वो मुझे कहते हैं कि अभी जैसे गोरक्षा का मामला आया, आप डिप्टी स्पीकर साहब कल्पना कर सकते हो, आप इन्होंने तो कह दिया, स्वागत राय जी ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री 26 दिन बाद बोले। मैं इनको यह पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है कि अगर कोई फर्जी को रक्षक हो, असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ हो, तो मैं अपील करता हूं कि हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मारो, यह भी कहने वाला कोई है तो देश का प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधान नरेंद्र मोदी, और उसकी भी आप आलोचना करते हो, ऐसे वक्तव्य की भी आलोचना करते हो आप। ऐसे वक्तव्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कहां गड़बड़ हो रही है कि हम आर्थिक दृष्टि से दलित समाज को आगे नहीं बढ़ा पाए। जिन जिन राज्यों में दलित समाज आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा है, विषमताएं भी कम हुई है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को कहा था कि राजनीतिक समानता में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है, ये कौन लाएगा। ये बाद की सरकारें लाने में विफल रही और वर्तमान सरकार लाने में सफल होते जा रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। मैं लास्ट में मेरी बात कहकर के समाप्त करूंगा कि जमीन बदलेगी तो जमाना बदलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जमीन बदलेगी और जमीन किसके? देखिए ज्योतिराज जी, बाबा साहब ने अपने एक जगह कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो दलितों की स्थिति ठीक होगी, उनको अच्छा काम मिलेगा। तो ये लैंड एक्विजिशन जो बिल हम लाए थे ना, इसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए लाए थे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, चलो इन्होंने लाने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब की सोच ये थी कि इस देश में औद्योगिकरण होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती होगी तो सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी, यही मैं कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं जमीन बदलेगी तो जमाना बदलेगा। जब हम होंगे साथ, सरकार का साथ अब दलितों को मिल रहा है, जमीन बदलेगी तो जमाना बदलेगा, हम जब होंगे साथ तो ये फसाना भी बदलेगा, ये अत्याचार भी बंद होंगे और दलित समाज एक भारत, श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत और समृद्ध भारत बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।